हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आपके बीच से ही किसी साथी ने मेरे पास एक क्वेश्चन भेजा है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व होता है। तो जिस क्वेश्चन में साथियों बोला गया है, अ स्टैंडर्ड मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन अ सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम अ सरफेस स्ट्रीम, द रिजल्ट वाज द एनालिसिस फॉर द कन्फर्म्ड टेस्ट आर गिवेन बिलो। अब साथियों क्या हुआ कि हमने एक जो टेस्ट किया है साथियों, इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन है, तो यहाँ वो आप देख सकते हैं मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट क्या परफॉर्म किया जाता है, हम उसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ बोला गया कि जो सैंपल साइज, यहाँ देख सकते हैं वन, यहाँ पे लिया गया सैंपल साइज 1 ml का है, 0.1 ml का है और 0.01 ml का है। और जो मेरे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट आउट ऑफ ट्यूब्स आए वो आए हैं 1 ml साइज के, तो जो था वहाँ 4 आए हैं, यहाँ पे 3 आए, यहाँ पे 1 आया है। और वहाँ पे निगेटिव, क्योंकि 5 ट्यूब था तो निगेटिव क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 यहाँ दिया हुआ है। और कुछ दिया है यहाँ पे, देखिए बोला गया है एम्पियंट इंडेक्स एंड 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन 5 ट्यूब्स यूज्ड पर डाइल्यूशन 10 ml, 1 ml एंड 0.1 ml। तो यहाँ पे कुछ टेबल दिया साथियों, अभी मैं बता दूंगा ये टेबल क्या यूज होता है। पूछा गया है यूजिंग द अबव एम्पियंट इंडेक्स टेबल द मोस्ट प्रोबेबल नंबर एम्पियंट ऑफ द सैंपल इज। साथियों ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो हम देखते हैं टेस्ट पहले क्या होता है। तो साथियों हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सैंपल लेते हैं जो हमको टेस्ट करना होता है, जिसमें हम कैलिफोर्मिया टेस्ट करते हैं, जो बैक्टीरिया होता है उसको हम टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम 3 सेट बनाते हैं 5-5 ट्यूब का। तो यहाँ पे हमने 3 सेट बनाया 5-5 ट्यूब का। जैसे यहाँ पे बोला गया कि हमने यहाँ जो सैंपल यूज किया है 1 ml का, 0.1 ml, 0.01 ml का, तो हमने यहाँ पे जो सैंपल यूज किया स्पेसिमेन का वो 1 ml का है, 0.1 ml का, 0.01 ml का है। इसने हम इसको सैंपल को डाला यहाँ पे, इनकुलेट किया। अब क्या हुआ, इसको हमने इंक्यूबेट किया 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 24 आवर के लिए। तो हमको जो रिजल्ट मिले, यहाँ 4 पॉजिटिव ट्यूब्स मिले हैं, 3 पॉजिटिव ट्यूब्स यहाँ पे 0.1 ml वाले मिले हैं और 1 पॉजिटिव ट्यूब यहाँ मिला है 0.01 ml जिसमें ट्यूब था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 4 ट्यूब थे उसमें ये पाया जाए कि इसमें कैलिफोर्निया जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है। और इसमें क्या पाया गया कि थ्री यहाँ है, इसमें क्या है, तीनों में जो कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है। और इसमें यहाँ पाया गया कि सिर्फ एक में जो था वो कैलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट था, बाकी सब में नहीं थे, अब्सेंस था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक सेट बना पाए। क्या यहाँ पे साथियों सेट जो आता है, इसलिए यहाँ बोला जाता है इसको सेट बोलते हैं। इसको हम अगर लिखने का जो तरीका होता है 4, 3, 1। अब साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एक चीज यूज होता है, आप इसको टेबल को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये टेबल आपको कहीं मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे बोला गया कि एम्पियन इंडेक्स यहाँ 95% कॉन्फिडेंस, यहाँ पे देखिए सेट दिया हुआ 10 ml, 1 ml, 0.1 ml। किसके से साथियों, 10 ml, 1 ml, 0.1 ml। अगर हमारे पास ये जो था, यहीं पे अगर हमारा 10 ml होता और ये हमारा 1 ml होता और ये हमारा 0.1 ml होता, तो हमारा जो एम्पियन इंडेक्स होता, यहाँ देखिए टेबल से 4, 3, 1 ये हमारा है, और यहाँ पे जो एम्पियन होता, जो एम्पियन जो यहाँ पे बोला जाता वो हमारा आंसर होता क्या, 33। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है साथियों, आप ध्यान दीजिएगा। आइए हम इसको बाइक चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्पेसिमेन यूज किया गया किसका है, 1, 0, 1 और 0, 1 का, और जो हमारा स्टैंडर्ड टेबल है उसमें किसका दिया गया, 10 ml, 1 ml और 0.1 ml का। तो मतलब कि हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड सैंपल साइज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या दिया था, 10 ml, 1 ml और 0.1 ml, तो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। और जो हमारा स्पेसिमेन सैंपल साइज, यहाँ पे देख सकते हैं जिसने हमने टेस्ट किया उसका जो साइज था इस सैंपल का, वो था 1 ml, 0.1 ml और 0.01 ml। तो हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्पेसिमेन साइज है, ये देख सकते हैं ये क्या है, 10 times लेस है, किससे, 10 times लेस देन स्टैंडर्ड। और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सेट बना किसका बना सकती हूँ, 4, 3, 1 का, यहाँ पे कौन पॉजिटिव आया, 4, 3, 1। तो यहाँ पे टेबल देखें तो 4, 3, 1 का जो एम्पियन नंबर है वो क्या है, एम्पियन पर 100 ml कितना है, यहाँ पे 33 है। अब यहाँ पे 10 times लेस है जो हमारा यहाँ पे स्पेसिमेन साइज है, लेकिन हमको चाहिए क्या, स्टैंडर्ड चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो करेक्ट हमारा एम्पियन नंबर होगा, जो हमारे यहाँ पे आ सकते हैं प्रोबेबल नंबर, जो करेक्ट एम्पियन होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो हमको मिला यहाँ पे 33 से मल्टीप्लाई वे क्या करेंगे, यहाँ पे 10 करेंगे, क्योंकि हमारा 10 times लेस है जो स्पेसिमेन है, और हमको स्टैंडर्ड करना, जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एम्पियन में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा जो आंसर आएगा साथ ही आप देख सकते हैं 330, यहाँ पे जो एम्पियन आएगा मोस्ट प्रोबेबल नंबर वो आने वाला है 330। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और यदि आपके पास कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे पास क्वेश्चन को भेज सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने का। तो साथियों यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।